एपीजी विश्वविद्यालय में नवनियुक्त कुलपति के साथ साथ विश्वविद्यालय की नई टीम विश्वविद्यालय को एक बार फिर से पटरी पर लाने में जुट गई है। इसके लिए विश्वविद्यालय में कई नई पहल की जा रही है। शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रमेश चौधरी ने दावा किया कि अगले 6 महीने में विश्वविद्यालय अपनी सभी चुनौतियों पर पार पा लेगा। शिमला की मैली शोघी बाईपास पर स्थित एपीजी विश्वविद्यालय 14 नवंबर को अपना तीसरा दीक्षांत समारोह मनाने जा रहा है, जिसमें प्रदेश की राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। ये जानकारी विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति डॉ. रमेश चौधरी ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। वित्तीय संकट से जूझ रहे एपीजी विश्वविद्यालय को पटरी पर लाने का जिम्मा संभाले कुलपति रमेश चौधरी ने इस दौरान विश्वविद्यालय में दी जा रही शिक्षा व सुविधाओं का जमकर बखान किया और कहा कि यहां दी जा रही गुणवत्ता युक्त शिक्षा के कारण ही यहां 26 देशों के 800 से अधिक विदेशी विद्यार्थियों के साथ 2000 से अधिक बच्चे अध्ययनरत हैं। उन्होंने कहा कि एपीजी विश्वविद्यालय समय के साथ चलते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस कंप्यूटिंग की प्रयोगशालाएं स्थापित करने जा रहा है, ताकि विद्यार्थियों को अत्याधुनिक व गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जा सके। डॉक्टर चौधरी ने आश्वासन दिया कि विश्वविद्यालय सभी चुनौतियों को पार करते हुए आगामी 6 माह के भीतर न केवल अपने आप को स्थापित करेगा, बल्कि शिक्षा प्रदाता के रूप में एक मिसाल बनकर उभरेगा। 14 नवम्बर को शिमला यूनिवर्सिटी शिमला में 3rd कन्वोकेशन शेड्यूल हुई है। हिज एक्सेलेंसी ऑनरेबल गवर्नर साहब ने हिमाचल प्रदेश हैज़ कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट ऑफ द ओकेजन। और भी कई समाज के जुड़े हुए बंदे जो एकेडमिशियंस हैं और कई वाइस चांसलर्स को भी हमने इनवाइट किया, वो सब आ रहे हैं। आप सबों को हमारे तरफ से हृदय से निमंत्रण है, इन्विटेशन है। वी लुक फॉरवर्ड टू सी यू। शिमला यूनिवर्सिटी पहले से भी काफ़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है हिमाचल की, और इसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इसी से मेजर किया जा सकता है। जो यहाँ पर 26 कंट्रीज़ के बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, 800 प्लस फॉरेन के स्टूडेंट्स हैं, और हर एक स्टेट्स ऑफ इंडिया जो है 29 स्टेट्स सबके बच्चे यहाँ पे हैं। तो और वो कई सालों से हैं, 2012 से। तो अगर आपके पास क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है तो यू कैन नॉट सस्टेन एंड यू कैन नॉट मेंटेन सच काइंड ऑफ डाइवर्सिटी। तो काफ़ी गियर्ड अप है और कई नई चीज़ें हो रही हैं, कई नई प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया। एडवांस कंप्यूटिंग जो आजकल की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड IoT, उसमें हमारी यूनिवर्सिटी ने कोर्सेज स्टार्ट किया है। एडवांस कंप्यूटिंग की लैब लग रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैब लग रही है। तो इससे शिमला में अभी जो आपका इन्वेस्टर्स मीट हुआ था, उसमें माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का भी ये आह्वान है, जो IT में हिमाचल प्रदेश की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। IT एंड टूरिज़्म दो की एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया गया है, और इसी को लेते हुए शिमला यूनिवर्सिटी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस कंप्यूटिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम स्टार्ट करके, ताकि अब जब आप कोर्सेज लोगे तभी IT में रिसर्च हो सकती है। हम एडवांस लैब भी लगा रहे हैं, रिसर्च लैब भी लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।